जोरहैर साहब ने नारा दिया कि पाकिस्तान का नंबर वन जोन अगर कोई होगा तो वो लाहौर जोन सेंट्रल होगा। अल्लाह ने इतना कर्म किया कि जबान में इतनी तासीर डाली, इतनी रहमतें की कि आज ये पाकिस्तान का नंबर वन जोन है और आप पाकिस्तान के नंबर वन जोन में गए। हमने इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। काबिल सद एहतराम मोहसिन मार्केटिंग डिविजनल हेड मार्केटिंग खालिद महमूद शाह साहब, काबिल सद एहतराम नंबर वन रीजनल चीफ सेंट्रल रीजन दुर्गार गिलानी साहब, ग्रेट लीडर नंबर वन सब जोनल हेड मुनीर देव साहब, सेक्रेटरी साहबान एरिया मैनेजर साहबान और चैंपियंस ऑफ अल्फा सब जोन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशहूर हूं, इंतहाई शफीक, इंतहाई डिवोटेड और डायनामिक पर्सनैलिटी जनाब खालिद महमूद शाह साहब का कि वो अपनी इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकाल कर, ये उनकी मोहब्बत है इस जोन के साथ, ये उनका प्यार है इस जोन के साथ कि उन्होंने आज, और ये बहुत बड़ा ऑनर है हम सब के लिए कि डिविजनल हेड मार्केटिंग आज आपके फंक्शन पर मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मैं गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि अंडर हिज काइंड लीडरशिप हमारा जो ना सिर्फ रीजन बल्कि हमारा जोन जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में नंबर वन है। और फिर आपके जो लीडर हैं मुनीर बेग साहब, उन्हें मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये जो अल्फला सब जोन है लास्ट ईयर हमने लास्ट क्वार्टर में इसे बनाया और रजाक शाह साहब अब रिटायर हो गए, उनकी लीडरशिप में इस सब जोन ने 42 करोड़ रुपए प्रीमियम किया। इस जो सब जोन जो कॉर्पोरेशन के 13 जोन से ज्यादा का प्रीमियम था, और इसी तरह मुनीर बेग साहब के सेक्टर ने भी 13 करोड़ से 22 करोड़ प्रीमियम किया लास्ट ईयर, वो भी कॉर्पोरेशन के 8-9 जोन्स के बिजनेस से ज्यादा था। और इस जोन की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जब खालिद महमूद शाह साहब सब जोनल हेड होते थे तो उस टाइम भी इसका नाम अल्फला सब जोन ही होता, तो ये कैसे हो सकता है कि एक लीडर इस जोन की सब जोन की क्यादत कर रहा हो और उसके बाद वो जो रवायात है तारीख अपने आप को ना दोहराए। तो मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं लाहौर सेंट्रल जोन्स के चैंपियंस के अंदर मौजूद हूं। एक बात मैं अपने लिए भरपूर प्रयत्न करनी है, इंसान का सबसे कीमती जो उसका टारगेट होता है वो उसका कैरियर होता है। आप मुझे तो सुनते ही रहते हैं, आज हमने हमारा जो मेन मकसद है ऐसी पर्सनालिटीज को सुनना है जो अकेले मार्केटिंग डिवीजन में आपकी पूरी मार्केटिंग फोर्स की 1.5 लाख से ज्यादा फोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि मैं पहले भी इनके लिए वो शेर पढ़ता रहता हूं, मैं फिर पढ़ूंगा कि इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सिरों ने, इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सिरों ने
वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। तो शायद मार्केटिंग का कोई इतना बड़ा कर्ज नहीं है खालिद साहब के ऊपर, लेकिन वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह एक एक लम्हे एक एक पल कॉर्पोरेशन के अंदर किसी सेल्स मैनेजर का भी फोन आ रहा है तो वो अटेंड कर रहे हैं, और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ही जो शख्सियत है वो मुख्तलिफ जगह पर मार्केटिंग के मुफादात के लिए लड़ते हुए नजर आ रही है। तो आपने खड़े होकर भरपूर क्लैप करना है, इनके इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, और खड़े होकर भरपूर क्लैपिंग करें। उनकी हर सांस के साथ अपॉइंटमेंट लेटर निकल रहा है, लेकिन मैं इनकी डिवोशन के अंदर जरूर बता सकता हूं कि आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर साइन किए हुए इनके ब्रीफकेस में मौजूद है। आप अपने लिए दुआएं मांगने की बजाय चेयरमैन साहब के लेटर के लिए दुआएं मांगे, अभी अगर वो व्हाट्सएप आ जाए तो अभी वो लेटर आपको इश्यू हो सकते हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर। तो हम सर आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है कि आज हमारे इस फंक्शन में मौजूद है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। सिर्फ मैं ये छोटी सी बात आप लोगों से करूंगा कि कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि आज से चंद साल पहले इसी लाहौर सेंट्रल जोन से बतौर सेल्स नुमाइंदा अपना कैरियर शुरू करने वाली शख्सियत, या कितने सेल्स नुमाइंदे बैठे हुए हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जरा हाथ खड़ा करें सारे एहसास, ये एक मिनट इसे इन्हें रोक ले, एक बात नहीं बोलेगा, कितने एहसास बैठे हुए जरा खड़े हो गए सारे एहसास, एहसास खड़े हो जरा, आप देखिए इस तरफ गौर से, इससे बड़ी मोटिवेशन किसी और प्रोफेशन में नहीं हो सकती। मैं किसी बिल गेट्स की, फ्रैंक बेचकर की या सुंदर पिचाई की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जीती जागती एक शख्सियत की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने आज से चंद साल पहले इस प्रोफेशन को बतौर सेल्स नुमाइंदा ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? जो आप हैं, और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर 200% 1000% मैं ये कह सकता हूं कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर 1.5 लाख सेल्स नुमाइंदों के अंदर से तरक्की करते हुए आज हमारे सामने वो डिविजनल हेड मार्केटिंग की शक्ल में मौजूद है। इसके बाद कैरियर का नाम नहीं हो सकता, कोई जरूरत नहीं है मैं यूट्यूब देखने की, कोई जरूरत नहीं है मैं बुक्स पढ़ने की, हम सिर्फ खालिद साहब के कैरियर को ही पढ़ लें तो हम आप तमाम लोग आने वाले वक्त के डिविजनल हेड मार्केटिंग हो सकते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि जिस तरह आप चैंपियंस हैं सेंट्रल जोन में, इसी तरह रीजन में भी आप और कॉर्पोरेशन में भी, इस तरह इस दुआ के साथ कि जिस मकसद के लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें वो मकसद पूरा करने की तौफीक अता करे, और इस उम्मीद के साथ अभी आप लोगों के जज्बे सुनने के बाद मैं एंड पे कॉन्टेस्ट का ऐलान करूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला ये जो सब जोन है, ये सेंट्रल जोन में अगर नंबर वन होगा तो कॉर्पोरेशन में ऑटोमेटिकली नंबर वन होगा, तो ये सब जोन जो है ये कॉर्पोरेशन में नंबर वन होगा। थैंक यू वेरी मच।